हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित 40 क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस का लाइव सेशन है। तो आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चंस आप लोगों के रॉन्ग हो तो आप उसे रिपीट करके पढ़िए। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट, टेट, जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम होंगे उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस की अपडेट आपके पास तक पहुंचती रहे और आप इसे देख पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज स्टार्ट करें तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन का चयन करना है आपको। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को जिससे वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर पाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, आप लोग आंसर देंगे तो और बेहतर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23-52 उत्तरी अक्षांश से, 30-28 उत्तरी अक्षांश तथा 77-30 पूर्वी देशांतर से 84-39 पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। मैंने अपना पहला वीडियो डाला हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो जिन्होंने वो ना देखा हो तो वो जरूर जा करके देख लें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम का कितना विस्तार है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछा है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 610 किलोमीटर या 670 किलोमीटर? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा, 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? अब ये उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण। देखिए ये पूरब से पश्चिम था तो बताया था आपको कि 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? 12 जनवरी 1950, 1 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 1966? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो था 9 नवंबर 2000 में, वर्तमान में जो अस्तित्व में आया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को जो भारतीय संसद है उसने उत्तर प्रदेश से जो उत्तरांचल है उसको अलग कर दिया था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत या आर्य प्रदेश। तो सही आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 15, 19 या 11? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का
भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, चौथा या पांचवा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है पांचवा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो आंसर होगा प्रथम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? नेपाल, नेपाल पाकिस्तान, तिब्बत चीन या तिब्बत पाकिस्तान? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों, दिल्ली को छोड़कर, की सीमाएं स्पर्श करती हैं? चार, पांच, आठ या तीन? दिल्ली को छोड़कर। देखिए, दिल्ली एक अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, आठ। देख लीजिए कि कौन कौन से वो जगह है, कौन कौन से वो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड। फिर से एक बार देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इन आठ राज्यों की सीमाएं हमारे उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो मैंने मैप बताया था पिछले वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बिहार और झारखंड, पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो भांवर, बांगर, तराई या खादर? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा बांगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? कैमूर, सोनाकर, विंध्याचल या बघेलखंड? तो आंसर है सोनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, कानपुर में या झांसी में? राइट आंसर सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ओशेनिया या यूरेशिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में कहाँ होती है? गोरखपुर, मथुरा, हमीरपुर या जौनपुर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता है? शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न, मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्यसागरीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय या मरुस्थलीय? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर? तो सभी जानते हैं कि मई जून में लू चलती है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान की बात हो रही है, सबसे अधिक? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? गोरखपुर, जालौन, मथुरा या वाराणसी?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सबसे कम वर्षा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है? जून के अंतिम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, हाथरस, एटा या कानपुर? तो सही आंसर है एटा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 65 से 70, 70 से 65, 75 से 85 या 90 से 95? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 75 से 85। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कंकरीले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फैजाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर या अकबराबाद? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैजाबाद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी या फैजाबाद? राइट आंसर ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थान मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोड़ा, बहराइच, बस्ती या बलिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, बस्ती। अगला प्रश्न, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वृंदावन के निकट, वाराणसी के निकट, अवस्थी के निकट या प्रयाग के निकट? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? आगरा, मथुरा, कानपुर या मेरठ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, कानपुर देहात, झांसी या लखनऊ? राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर देहात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है, देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है 350, पहले 312 हुआ करती थी, फिर उसके बाद 316 हुई, लेकिन वर्तमान में पूछा है जाए तो यहाँ पर होगी 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर आगरा, क्योंकि आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? राइट आंसर लखनऊ। लीची का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर, मेरठ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सहारनपुर और मेरठ दोनों में लीची का उत्पादन होता है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके 40 प्रश्न थे और ये उत्तर प्रदेश का मॉडल फर्स्ट था। अगला मॉडल आपके लिए जल्दी ही आएगा तो आप उसे जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, सो डोंट मिस एनी क्वेश्चंस। और आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप उसे भी ले लें और इसका रिवीजन करते रहें।